लोग हमें सपोर्ट नहीं कर सकते? बताओ, नहीं कर सकते क्या? जब मैं ज़िंदगी में आगे पैर कदम धर रहा हूँ तो आप लोग साथ नहीं दोगे? नहीं दोगे, मना कर देते हैं। मैं कहता हूँ मेरा यूट्यूब में चैनल है, तो क्या यूट्यूब बेटू फालतू ये सब क्या करता रहता है, बोलते हैं। मेंबर्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, सुबह हो चुकी है आप सभी को, गुड मॉर्निंग, और अभी हो चुके हैं 8, तो उसके साथ साथ राम राम, जय श्री राम, और आपका फिर से एजी ब्लॉग्स 23 पे स्वागत है। सो गाइस, हम लोग धंधे पे आ चुके हैं, अपने बिजनेस में आ चुके हैं। ये रही अपनी ठिलिया, और ये मैं धंधे पे दुकान आने के बाद मैं मोहल्ले पे निकल चुका हूँ, मैं धंधा करने स्टार्ट भी कर दिया हूँ, मैं मोहल्ले पे आ चुका हूँ और हम निकलते हैं धंधे में। तो गाइज, मैं ब्लॉग्स यहाँ पर सीधे बिजनेस पे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि घर पे मैं नहीं कर पाया था, तो यहाँ करते हैं। तो अब चलो सीधे धंधे पे, हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। मैं फर्स्ट वहाँ से बनाया था मैंने, और फिर वहाँ से निकलने के आने के बाद ये है, और ये रहा अंकल जी का घर। तो यहाँ पर अंकल जी ने बोले लोहा है करके देने के लिए, तो यहाँ पर बात आत हो चुकी है हमारी फिक्स, अंकल जी देने के लिए तैयार हो चुके हैं, और हम अब माल तोलने के लिए जा रहे हैं ऊपर, और आपको भी दिखाते हैं। गाइस, आज तो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मौसम नहीं बना, क्यों? क्योंकि आज तपरी बहुत ज़्यादा धूप, ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा धूप और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, जिससे हो गई मेरी हालत ख़राब। चलो दिखाते हैं। गाइस, अभी का सीन ऐसा हुआ कि मैं गया था दिखाने के लिए, आपको बोला भी था, बट वहाँ पर मैं गया तो अंदर वीडियो मैंने पूछा अंकल जी से बना लें कि नहीं, तो अंकल जी ने बोल दिए रहने दे मत बनाओ, क्या बना रहे फालतू फालतू। तो आई रियली सॉरी गाइस, मैं बना नहीं पाया वहाँ पर, लेकिन अंकल जी ने लोहा वोहा दे दिया अपन को, ये देखिए। और अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ, ये घर में यहाँ पर रोके गया मेरे को, यहाँ पर वो आंटी जी ने बोली रुके भैया, अब देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है, लेकिन अंकल जी ने तो मना कर दिया वहाँ पर, तो सॉरी गाइस वहाँ पर मैं नहीं दिखा पाया, और मैं दिखाने की फुल कोशिश करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करो सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी करो, अभी मेरे सामने करो, करो, कर लिया, कर लेना गाइस, और वीडियो को लाइक भी कर देना। प्यारे भाइयों, हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, और निकलने के आने के बाद अपने को वो अंकल जी के यहाँ निकलने के बाद अपने को 3-4 जगह से माल मिल चुका है, और अपनी टिलिया अभी इतनी हो चुकी है, आज कबाड़ मिल चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। और अभी मैं आया हूँ, पहचान लीजिए मैं कहाँ बैठा हूँ अभी, अच्छी मस्त शाम है। तो गाइस, और अभी बज चुके हैं 11 बज चुके हैं। सो गाइस, मैं ये माइंड में ये चल रहा था, मैं सोच भी रहा था कि एक ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियो आ जाए, ठीक है, यदि मेरा नेक्स्ट प्लानिंग होता है तो मैं अगली वीडियो ब्लॉगिंग की ही बनाऊंगा, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए आप लोग सपोर्ट, आपको जो करना है गाइस, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग कर सकते हो। मेहनत मैं फुल करूँगा, दिन रात एक कर दूँगा, बस आप साथ नहीं छोड़ना, बस यही मेरी इच्छा है, बस आप लोगों के तो मैं भरोसे हूँ, ऐसे ही समझ लीजिए। अभी मेरा काम ये चल रहा है, मैंने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया है, सोच सकते हो। तो गाइस, भाई को फॉलो कर लेना, आई होप कि आगे मैं आपको इतने मस्त मस्त कॉन्टेक्ट बनाऊंगा कि आप लोग भी मेरे को जानने लगोगे, पहचानने लगोगे, और भाई को सब्सक्राइब भी कर लोगे चैनल को, और लाइक भी करोगे। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत करूंगा आपके लिए बेहतर कॉन्टेक्ट बनाने के लिए। तो भाई को सपोर्ट करिए, बाकी मैं तो तगड़े वाले, मेरे अंदर तो ये फीलिंग चलती है कि मैं क्या ना कर लूँ, बहुत कुछ करने का मन करता है मेरा, बहुत कुछ, बट माल में एक ही चीज़ खजाता हूँ, बस आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो बहुत जल्द मेरी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और जिस दिन पूरी हो गई ना तो भाई आपका ख़तरनाक कॉन्टैक्ट बनाने लगेगा,
और आपके लिए वो सरप्राइज़ आएगा। यदि मेरी इच्छा पूरी कर दी आप लोगों ने, तो वो इच्छा ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, बस यही है। और इसके बाद फिर देखना तहलका मच जाएगा ख़तरनाक कॉन्टैक्ट वालों का। ऐसे ब्रांड ब्रांड चीज़ लाऊंगा ना गाइस, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बड़े भाई, कि आप खुश हो जाओगे। बस आपका छोटे भाई का जो समझते हो आप मेरे को समझो, सपोर्ट करना। आप ही लोग तो है यार फैमिली, आप लोग। मैं फैमिली क्यों बोलता हूँ आप बता, मैं फैमिली क्यों बोलता हूँ आप लोगों को, आपको अपना मानता हूँ। भाइयों क्यों बोलता हूँ, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, फैमिली मेंबर्स, आपको मेरी फैमिली जैसे ही मानता हूँ आप लोगों। तो भाई को सपोर्ट करो ना यार, क्यों नहीं करते बताओ, करना। क्योंकि यदि इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है ना, तो उसे कुछ मजबूरियाँ, कुछ परेशानियाँ, बहुत सी चीज़ रोक देती हैं। मैंने बहुत सी चीज़ ठोकर खाई है पहले, बहुत सी चीज़ ठोकर खाई है। मैंने YouTube चैनल पहले ही खोलने का प्लान बना लिया था, बट कुछ रीज़न आ जाते हैं, ऐसे बहुत सी सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, कभी घर में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी घर माइंड अच्छा नहीं रहता, कभी ऐसा हो गया वैसा हो, कभी अच्छे कपड़े नहीं रहते, ऐसा वैसा सोचते रहते। मैं इसमें आदमी इंसान कुछ नहीं कर पाता, समझ गए, समझ रहे हो ना। तो ऐसा होता है मेरे भाइयों, तो सपोर्ट करिए मुझे, और मैं ख़तरनाक कॉन्टेंट बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। मज़ेदार भी आएगा, मज़ा भी आएगा, कम और हंसी भी आएगी, सीरियस भी होगे, इमोशनल भी रहोगे, मोटिवेट भी होते रहोगे। सब कुछ के लिए मैं फिक्स प्लानिंग कर रहा हूँ, बट आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। और अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, मतलब चलते हैं नेक्स्ट कॉलोनी में। अब कोई तो आता नहीं वीडियो में, फुल कोशिश करता हूँ, क्या करें, मना कर देते हैं। मैं कहता हूँ मेरा यूट्यूब में चैनल है, क्या यूट्यूब फालतू ये सब क्या करता रहता है, बोलते हैं। लेकिन आप लोग ना समझते नहीं इन बातों को, इंसान किस मजबूरी से चल रहा है, क्या करता है, कैसे करता होगा, लेकिन आप लोग समझते नहीं। इंसान की आप फैसिलिटी देखते हो, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये काम कर रहा हूँ ना मैं, क्यों कर रहा हूँ मजबूरी। आज भी मैं भी कुछ कर सकता था ना, 12th पास हूँ, कुछ कर सकता था, क्यों करूँ मजबूरी। तो मजबूर से बात कर सकता हूँ, क्या आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर सकते बताओ, नहीं कर सकते क्या। जब मैं ज़िंदगी में आगे पैर कदम धर रहा हूँ, तो आप लोग साथ नहीं दोगे, नहीं दोगे साथ, दोगे ना, विश्वास है आप लोगों के पास, एक ना एक दिन दोगे आप। मैं फुल मेहनत करते रहूँगा, आप लोग दोगे साथ, मैं फुल एनर्जी लगाऊँगा, आप लोग दोगे साथ, क्यों, क्योंकि आप भी इंसान हो, और इंसान की फीलिंग थोड़ी बहुत तो समझोगे। बस इतना ही, अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉलोनी और दिखाते हैं कोई मिलता है दिखाने के लिए तो। और आज के लिए मोटिवेट के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, फिर झुका के मेरा आप लोगों को प्रणाम।